अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं। वर्डप्रेस के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको आपकी वेबसाइट के लिए, आपकी अमेज़न एफिलिएट वेबसाइट के लिए या आपकी किसी भी वर्डप्रेस वेबसाइट के हवाले से टाइटल जनरेट करना सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी किसी भी अच्छी पोस्ट या अपने किसी भी पेज के टाइटल को जनरेट करना है वो किस तरीके से कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको कम्प्लीटली बताया जाएगा कि किस तरीके से आपने एक ऑथेंटिक जो है ना, जो गूगल की एसईओ के मुताबिक या यूट्यूब की एसईओ के मुताबिक हो और उसको जो है ना सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी अच्छी मतलब उसकी हो और सर्च इंजन भी उसको अच्छे तरीके से समझता हो, वो किस तरीके से आप टाइटल जनरेट कर सकते हैं। आपको वेबसाइट भी बता देता हूँ कि किस तरीके से आपने उसको मतलब उससे टाइटल जनरेट करना है और किस तरीके से अपनी या अमेज़ोन की किसी भी वेबसाइट पर डालना या अपनी किसी वर्डप्रेस की वेबसाइट में किस तरीके से डाल सकते हैं। वेबसाइट में डालने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूं इसी वीडियो में। सबसे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करें। मेरे इस वीडियो का लाइक का टारगेट 1000 लाइक हो इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। इसके अलावा मेरे इस वीडियो के हवाले से या मेरी किसी वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। सबसे पहले आपने जो है ना, मैं एक वेबसाइट बता देता हूँ जिसका नाम है टाइटल ब्लॉग जनरेटर, यानी कि आपने यहीं पे लिखना है ब्लॉग टाइटल जनरेटर। तो आपको ये जो है ना यूआरएल यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद ये पेज ओपन होता है और यहाँ पे आपने किसी भी टॉपिक पे जिस पे आप टाइटल लेना चाह रहे हैं उस पे जो है ना उसका जो मतलब कीवर्ड है वो आपने लिखना है और उस पर जो है ना आपने सिर्फ़ और सिर्फ क्लिक कर लेना है टाइटल मोर मतलब मोर टाइटल। अगर मैं इसको बैक पे आ जाऊँ तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि किस तरीके से आपने आपको फर्स्ट पेज इसका ओपन होगा। यहाँ पे मैंने एक गूगल इमेजेस सर्च किया हुआ था तो इसको मैं जो है ना डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं, ब्रांड प्रोडक्ट है, इज एन इवेंट है, इंडस्ट्री है, लोकेशन है, इज अ पर्सन जो है ना नेम है और इज अ स्किल है। यहाँ पर जो भी आप लिखना चाह रहे हैं कर सकते हैं। और यहाँ पर मिसाल के तौर पर अगर मैं अमेज़ोन की किसी वेबसाइट में जाऊँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं बीट सोलो 3 वायरलेस ऑन एयरफोन्स है, मतलब एक वायरलेस जो है ना इससे जो है ना हमने एक टाइटल क्रिएट करना है तो इसको कंट्रोल सी की मदद से कॉपी करेंगे और इसको जो है ना कीवर्ड के ऑप्शन में कंट्रोल वी की मदद से पेस्ट करेंगे और जनरेट टाइटल पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम जनरेट टाइटल पे क्लिक करेंगे तो गूगल ने या इस वेबसाइट ने हमें जो है ना टाइटल जो है ना वो कर देने हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 सीक्रेट्स द एक्सपोर्ट्स ऑफ वायरलेस डोंट वांट यू टू नो। देखें 10 क्वेश्चन टू आस्क एट वायरलेस हेयर व्हाट इंडस्ट्रियल्स इंसाइडर्स से अबाउट वायरलेस स्किल्स दैट यू कैन लर्न फ्रॉम वायरलेस आई विल टेल यू द ट्रूथ अबाउट वायरलेस इन द नेक्स्ट 60 सेकेंड्स। और यहाँ पर आप जो है ना टाइटल को जो है ना किसी भी तरीके का टाइटल हो यहाँ पे आप कर सकते हैं। अगर इसको मैं मोर करता जाऊँ मतलब इसमें मोर के ऑप्शन पे क्लिक करूँ यहाँ पे मज़ीद जो है ना टाइटल देगा। ये हमें जो है ना, मैं बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि इसने आखिर में हमें मैसेज देना है। जैसे मैं क्लिक करता जाऊँगा इसको जो है ना मज़ीद देता जाएगा और यहाँ पे आपके सामने एक वो लिख रहा है कि डेली लिमिट जो है ना रीच आप पहुँच चुके हैं 5x5 और इसके बाद आपने यहाँ पर अपना सिर्फ़ और सिर्फ आपने कोई भी मतलब इसकी पे नहीं करना है इसका, आपने सिर्फ़ और सिर्फ अपने ईमेल आईडी से इसको वेरीफाई कर देना है। जैसे ही आप वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने नया पेज ओपन हो जाएगा, एड आई डन फॉर यू गाइड योर फर्स्ट प्रॉफिटेबल वेबसाइट। और यहाँ पे आप मुख्तलिफ चीज़ें इसको देख सकते हैं मज़ीद भी, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने मतलब आईडी से जो है ना इसको वो करना है, वेरीफाई करना है, बाद में आप इसको जितना भी यूज़ करना चाहें कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको दोबारा जो है ना वापस आ जाता हूँ और इस पर कोई और चीज़ लिखने की कोशिश करता हूँ। मिसाल के तौर पर मेरा है हाउ टू वेबसाइट, मतलब वेबसाइट के क्रिएशन के हवाले से हाउ टू क्रिएट वेबसाइट एक टाइटल है या कोई मतलब छोटा सा एक कीवर्ड है। इसको देखते हैं कि इसलिए जो है ना क्या कहता है, या ये तो नहीं कहता कि आपकी जो वो है लिमिट है वो ख़त्म हो गई या उसने 5 दे दिए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ रहा है 10 थिंग्स यू शुड डू इन हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट, 5 कॉमन मैथ्स अबाउट हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट,
7 एडवांटेजेस ऑफ हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट एंड हाउ यू कैन मेक फुल यूज़ ऑफ इट। ये देखें आप, वो 5-6 इसने टाइटल जो है ना क्रिएट कर दिए हैं। आप जो भी टाइटल आपको मतलब अच्छा लगे, या आप उसकी SEO कर सकते हो, या गूगल में उसकी सर्च अच्छी हो, तो आप उसको अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं। अगर यहाँ पे अगर मैं इसका ये चेंज करूँ, स्केल के मुताबिक रखूँ और टाइटल पे मज़ीद क्लिक करूँ, तो यहाँ पे देखें 7 एडवाइस दैट यू मस्ट लिसन टू बिफोर लर्निंग हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। मिसाल के तौर पर अगर मैं इसको जो है ना टाइटल बनाना चाह रहा हूँ अपनी वेबसाइट का, यहाँ पे मेरी पोस्ट बनी हुई है और इसको जो है ना इस पोस्ट का एक मैं टाइटल दे देता हूँ, सॉरी 7 एडवाइस दैट यू कैन मस्ट, ये ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे मैं वेबसाइट के हवाले से तमाम वो करना पड़ेगा हमें, इन दिस ब्लॉग आई विल टेल यू, यू विल बी एबल टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से अगर आप वेबसाइट के हवाले से मुख्तलिफ पेजेस चाह रहे हैं, तो आपको मैं फ्री वेबसाइट बता देता हूँ। अगर आपने वहाँ से भी नहीं करना, तो आपने लिखना है हाउ टू चूज़ रॉयल्टी फ्री इमेजेस, गूगल इमेजेस फ्रॉम पंजवानी टेक लिखेंगे, तो आपके सामने वीडियो आ जाएगी, वहाँ पे भी आप सर्च करके देख सकते हैं, या आपको मैं यहाँ पे गूगल सर्च करके यहाँ पे लिखूँगा पिक्साबे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने पिक्साबे लिखा है, और उसके बाद आपने यहाँ पे इमेजेस पे क्लिक करना है, या पिक्साबे 1 मिलियन प्लस टर्निंग फ्री, यहाँ पे आपने क्लिक करना है, और उसके बाद आपके सामने एक पेज इमेज ओपन होगा, और यहाँ पर आपने लिखना है वेबसाइट हाउ टू क्रिएट वेबसाइट। आप अगर अपना वो भी दे देते हैं, मतलब पूरा टाइटल का टाइटल दे देते हैं, आप पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे वेबसाइट मैं लिखता हूँ, वेबसाइट के हवाले से मुख्तलिफ मुझे फॉर्मेट्स मिले, तो यहाँ पे पिक्साबे यूज़र गेट्स 30 डेज, और यहाँ पे वेबसाइट के हवाले से मुख्तलिफ वो मिले हैं मुझे। यहाँ पे अगर मैं कोई भी मेरे पास अच्छा मुझे लगता है, तो उसको मैं यहाँ पे डाउनलोड कर लूँगा, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँगा फ्री डाउनलोड पे, और यहाँ पे जो भी आप इसकी जो रेजोल्यूशन है, आप जो भी चाहते हो, मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना इसी में हो, 1920x1078। ठीक है दोस्तों, इसको आपने कर लेना है डाउनलोड, जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे, तो इसको आप जो है ना वो कहता है जो है ना आप रोबोट हैं क्या हैं, इसको साइन अप करें। साइन अप मैं नहीं करूँगा, बल्कि इसको मैं जो है ना देख लेते हैं कि ये फ्री वाला तो नहीं है, मतलब यहाँ पे ये चाह रहा है पैसे वाला है ये इमेज, और मैं दूसरा देख लेता हूँ जो फ्री वाला हो। यहाँ पर ये फ्री वाला लग रहा है, और यहाँ पर इसको जो है ना मैं डाउनलोड कर लेता हूँ, देखते हैं ये डाउनलोड होता है। ये भी कह रहा है जो है ना फ्री में, अच्छा ठीक है दोस्तों। यहाँ पे मैं इसको जो है ना इमेज को सेव एज कर लेता हूँ, या तो इसको जो है ना डेस्कटॉप पे क्लिक करूँगा, और उसके बाद यहाँ पे इसको सेव कर दूँगा। जैसे ही मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा, तो मुझे जो है ना पेज एक ये मतलब वेब पेज इसने सेव किया है, इसको जो है ना मैं क्या करूँगा, अब मैंने इसको कंट्रोल अल्टर बल्कि विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन क्लिक करना है, और इसने इस फ़ोटो का या इस इमेज का फ़ोटो खींच लिया है, स्नैच निकाल लिया है। अब मैं क्या करूँगा, उसी पोस्ट पे जाऊँगा, उसी पोस्ट पे जाने के बाद मैंने क्या करना है, यहाँ पे इमेजेस सिलेक्ट करने हैं, यहाँ पे कहाँ पे सॉरी एड मीडिया, दोस्तों मोड मीडिया में क्लिक करेंगे, या आपने जो है ना यहाँ पे इमेजेस अगर पड़े हैं आपके वो आप लगा सकते हैं, या ये वाला इमेज मैं अगर इसमें इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, तो इसको इंसर्ट कर सकता हूँ, जितना भी इसको बड़ा करता जाऊँ वो मेरी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। और यहाँ पे ये भी बताऊँ कि अगर आपने फुली आपने पोस्ट एक अच्छे अंदाज से लिखनी है, तो आपने फ्री में इसका कंटेंट कहाँ से लेना है, आपने वो भी अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी फ्री कंटेंट वाली, तो आपने अपने लंजवानी टेक की कोई भी टॉपिक हो, आपने बाई लंजवानी टेक लिखेंगे, तो आपके सामने तमाम डिटेल आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे लिखें मतलब
फ्री ब्लॉग मैं यहाँ पे लिखूँगा। सो फ्रेंड्स, आपने जो है ना फ्री आर्टिकल जनरेटर आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपने उस कीवर्ड को डालना है इसमें, जिस भी पोस्ट पे, जिस भी टॉपिक पे आप काम करना चाह रहे हैं, मतलब मैं हाउ टू क्रिएट अ वेबसाइट पे करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और उसके बाद आर्टिकल जनरेटर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे कीवर्ड पे क्लिक करूँगा, कीवर्ड पे यही पेस्ट करूँगा और उसके बाद आपने यहाँ पे तमाम चीज़ें ये ऐसे की ऐसे रहने देनी है। थ्री हाउ मनी आर्टिकल पे थ्री रहने देना है। अगर आपने आगे करना है तो आपसे परचेज़ के हवाले से पूछेगा कि आपने आया कि इसका जो वर्जन है परचेज़ करना चाह रहे हैं या आपको जो इसके ट्रायल वर्जन लेना चाह रहे हैं। और यहाँ पे आपको सामने जो है ना इसने तीन आर्टिकल जनरेटर वो कर दिए हैं, आर्टिकल यानी कि शो कर दिए हैं और उसके बाद आपने यहाँ पे उसको कॉपी करना है। चेक प्लेजरिज्म में मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपने इसकी प्लेजरिज्म चेक करनी है। अगर आपने उसको नहीं देखा उस वीडियो को, तो आपने गूगल पे क्लिक करना है और उसके बाद आपने प्लेजरिज्म पे क्लिक करना है, यानी कि प्लेजरिज्म यहाँ पे लिखना है, प्लेजरिज्म RISM प्लेजरिज्म चेक कर ऑनलाइन, यहाँ पे आपने क्लिक करना है और उसको जिस तरीके से मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि डुप्लीकेट ये तमाम चीज़ें आपने उसमें चेक कर लेनी है, आपका जो प्लेजरिज्म है कंटेंट है वो आपने यहाँ पे पेस्ट करना है और उसके बाद आपने लोड कर लेना है। ये मैंने पेस्ट किया और चेक प्लेजरिज्म में मैंने क्लिक किया और बाद में ये जो है ना शो हुआ है। मैं आपका टाइम बचाने के लिए इसका इतना वेट नहीं करूँगा, सिर्फ़ और सिर्फ आप वो यहाँ पर पेस्ट करके दिखाऊँगा किस तरीके से आपने पेस्ट करना है। और यहाँ पर आपने इंटर दबा के यहाँ पे पेस्ट कर लेना है। जैसे ही ये पेस्ट होगा आपने इसको प्रीव्यू लेना चाह रहे हैं प्रीव्यू लेना चाह ले लें, वरना अपडेट पे क्लिक करके आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं। मैं इसको अपडेट करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको वो कर रहता हूँ और मैं अपनी वेबसाइट को दोबारा से देखता हूँ कि मेरा जो आर्टिकल है वो किस तरीके से नज़र आ रहा है, या मेरा जो पेज वो उस पर लिखा हुआ है सेवन एडवाइसेस यू मस्ट लिसन टू बी वे बिफोर लर्निंग, और यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं ये एक आर्टिकल है। अगर इसको मैं डिलीट भी कर दूँ तो वहाँ से डिलीट भी हो सकता है, लेकिन हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपने एक मतलब पोस्ट बनानी है, अच्छे तरीके से आपकी पोस्ट पब्लिश भी होगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपने पोस्ट बनानी है। आई होप कि आज की ये इंटरेस्टिंग वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरी इस वीडियो को लाइक का टारगेट 1000 लाइक हो इंशाल्लाह पूरा कर देंगे। इसके अलावा मेरी इस वीडियो वाले से या मेरे किसी भी वीडियो वाले से कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।